खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर 9 सितंबर को रुद्रपुर में डीएम कार्यालय का घेराव करेगी। इसी को लेकर शुक्रवार को नेता ने नैनीताल जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक भी की, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल, पूर्व विधायक रंजीत रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, प्रदेश में आपदा को लेकर ठीक से काम नहीं हुआ, ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर ये घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी इस बात से कि हमारे अभी इकट्ठा हुई एक महिला के साथ में, और उसमें अंजित जो है वो भाजपा के नेता है, तो आज हमने यहाँ पर कोतवाली में धरना दिया और प्रदर्शन किया कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। और जिस तरीके से आप देवभूमि की बात देख रहे हैं, आज हमारी देवभूमि में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और हम यही मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, और अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये आज बेटियों के साथ कार्य हो रहा है, घृणित कार्य हो रहा है, बिल्कुल शर्मिंदगी हो रही देश में। यहाँ पर आज पूरे क्षेत्र में ये अखबार जाता है, पूरे जगह जितने भी जहाँ जाए टीवी चैनल सब चल रहे हैं, इसमें बड़ी घृणित कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार को, भाजपा सरकार को चेताना चाहता हूँ, आप पूरी महिलाएं इतनी आक्रोशित हैं, जो कि आज थाने का घिराव करके यहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि